बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन एंड मोल्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अब इनमें हम पढ़ेंगे रिलेशन। तो पहला है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। Equilibrium constant in terms of pressure, equilibrium constant in terms of concentration. तो ये एक general reversible reaction है जिसमें ये सारे substances gases हैं। A और B आपस में मिलके C और D बनाते हैं। ये A, B, C और D ये सारे के सारे gases। अब इस रिएक्शन के लिए हम केपी की वैल्यू यू लिखेंगे। केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर बी। और इसे मैं इक्वेशन वन कहता हूं। अब मेरे पास केपी है लेकिन केसी नहीं है। मैं इन दोनों में रिलेशन डेवलप करवा रहा हूं। तो केपी तो है इस साइड पे, केसी नहीं है। अब मैं इस प्रेशर को केसी में चेंज करता हूं। कैसे करता हूं? तो देखो, एज वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये वॉल्यूम दूसरे साइड पे शिफ्ट करे तो दूसरे साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। P will be equal to N by V R T। इस पे गौर करें, ये है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगा P is equal to N by V की जगह पे कंसंट्रेशन, R T अपनी जगह पे। ये इक्वेशन अब मैं गैस A, B, C और D के लिए यू लिखूंगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ A is equal to मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, R T। गैस बी के लिए इसको यू लिखूंगा, पी बी इज इक्वल टू, तो कंसंट्रेशन की जगह पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी आ जाएगा। सी के लिए इसको यू लिखूंगा, पी सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी। और डी के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी। पी ए, पी बी, पी सी, पी डी की ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन वन में पुट कर ले। बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन वन वी गेट, तो ये वैल्यूज जब हम इस इक्वेशन वन में पुट करेंगे, ये बन जाएगा के पी इज इक्वल टू पी सी की जगह पे इसकी ये वैल्यू सी आर टी होल पावर सी, और डी की जगह पे इसकी ये वैल्यू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी होल पावर डी। इसी तरह इसकी जगह पे इसकी ये वैल्यू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी पावर ए, और इसकी जगह पे इसकी ये वैल्यू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी
आर टी पावर बी। इससे इन कंसंट्रेशन को आप अलग करें, के पी इज इक्वल टू, तो कंसंट्रेशन इससे आप अलग करें, मैंने सी डी ए बी को अलग किया, ऊपर क्या रह गया, आर टी पावर सी और आर टी पावर डी, और नीचे रह जाएगा आर टी पावर ए आर टी पावर बी। के पी ये जो पूरा टर्म है इसे देखे, ये के सी है, तो ये इसकी जगह पे, इस पूरे टर्म की जगह पे लिखूंगा के सी आर टी सी प्लस डी, और नीचे आर टी ए प्लस बी। ये जो पूरा टर्म है ये किसके इक्वल है, सी के। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी, ये सी प्लस डी, इस पे गौर करें, सी प्लस डी ये प्रोडक्ट के मोल है, तो सी प्लस डी की जगह पे मैंने लिखा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, एन पी डिवाइडेड बाय आर टी पावर ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी ये रिएक्टेंट के मोल्स है, तो ये बन जाएगा एन आर मोल्स ऑफ रिएक्ट। इसे ऊपर लेके जाए तो ये जब हम ऊपर लेके जाएंगे माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे के पी इज इक्वल टू के सी आर टी मोड्स ऑफ प्रोडक्ट आर टी माइनस मोड्स ऑफ रिएक्टेंट। KP is equal to KC RT moles of product minus moles of reactant. KP is equal to KC RT power delta N. What is this delta N? ये delta N है क्या? ये moles of product minus moles of reactant है। यू हमने KP और KC में relation develop किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए, अगर एक reaction में मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, अगर एक रिएक्शन में प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल से ज्यादा हो, तो उस रिएक्शन की के पी वैल्यू के सी से ज्यादा हो। ऐसे रिएक्शन की का एग्जाम्पल है ये 2SO3 गिव 2SO2 प्लस O2, ये मैं आपको इस रिलेशन का मतलब समझा रहा हूं। इस रिएक्शन में देखिए प्रोडक्ट के मोल 3 है,
एक ये और दो ये, जबकि रिएक्टेंट के मोल दो है, तो इस रिएक्शन की जो के पी वैल्यू होगी वो इसकी के सी वैल्यू से ज्यादा होगी। अच्छा, अगर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम हो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो फिर के पी की वैल्यू कम होगी के सी से। कंसिडर दिस रिएक्शन, एन टू प्लस थ्री एच टू give 2NH3, प्रोडक्ट के मोल दो है जबकि रिएक्टेंट के मोल चार है, तो यू के पी की वैल्यू के सी से कम होगी। और अगर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो तो फिर के पी की वैल्यू इक्वल होगी के सी। ऐसे रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये, N2 प्लस O2 गिव 2NO। प्रोडक्ट के मोल दो और रिएक्टेंट के मोल भी दो, तो इस रिएक्शन के लिए KP और KC की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। KP KC से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। ये तीन चांसेस हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल के एमकेट पेपर में भी ये एमसीक्यू आया है कि नीचे दिए गए रिएक्शन में से किसके लिए केपी की वैल्यू केसी से ज्यादा होगी। तो केपी की वैल्यू तब ज्यादा होगी अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो, और अगर दोनों के मोल इक्वल हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के आपस में, तो फिर केपी और केसी आपस में इक्वल होगी। देखिए ये एक एग्जांपल है 7.2 पेज 218। ये रिएक्शन दिया गया है PCl5 रिवर्सिबली PCl3 और Cl2 देता है। इस रिएक्शन की KP वैल्यू 0.82 है, टेम्परेचर इतना है, तो इस रिएक्शन की KC वैल्यू मालूम करें। तो KC वैल्यू केसी वैल्यू हम पहले से बता सकते हैं कि केसी वैल्यू इससे कम होगी। ये जो वैल्यू है वाई, क्योंकि प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मोल से ज्यादा है। हम केसी को यू मालूम करेंगे, हमें रिलेशन का पता है के पी इज इक्वल टू केसी RT power delta n। ये डेल्टा n क्या है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा n की वैल्यू हम पहले से बता सकते हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है 2, एक मोल क्लोरीन और एक मोल PCl3, और रिएक्टेंट है 1, तो डेल्टा p की वैल्यू आ गई 1। अब देखो KP हमें गिवन है 0.82, KC की वैल्यू मालूम करवानी है। R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 0.082 और टेम्परेचर है 523 केल्विन पावर 1। ये आप दूसरे साइड पे शिफ्ट करें, तो ये जब आप शिफ्ट करोगे यहां मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड, इससे जो कुछ आपके पास आ जाए दैट विल बी वैल्यू ऑफ केसी। और एक बात, ये जो केसी की वैल्यू होगी ये 0.82 से कम होगी।
So U एक रिएक्शन में अगर हमें की पी वैल्यू गिवन हो, साथ में टेम्परेचर गिवन हो, तो हम उसकी केसी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। और ये तरीका है केसी या केपी को कैलकुलेट करने। अच्छा, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केएक्स, ये भी बिल्कुल उसी तरह का रिलेशन है जो केपी और केसी में था। अब इस रिएक्शन के लिए भी हम Kp लिखेंगे ऐसे, Kp is equal to partial pressure of C power C, partial pressure of D power D, partial pressure of A power A, partial pressure of B power B, यानी partial pressure of product divided by partial pressure of reactant। ये मेरे पास इक्वेशन वन है। अब मैं इस पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, तो ये एक रिलेशन जो हम डाल्टन्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस into total pressure. What is this mole fraction? Mole fraction से मुराद होता है moles of a component divided by total moles. तो ये Dalton's law of partial pressure है जो हम gases chapter में पढ़ चुके हैं। अच्छा, gas A के लिए ये मैं यू लिखूं, partial pressure of A is equal to mole fraction of A into Pt, partial pressure of B is equal to mole fraction of B into Pt, partial pressure of C is equal to mole fraction of C into Pt। ये Pt रिप्रेजेंट करवा रहा है टोटल प्रेशर को, यानी इसके 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 और इसके टोटल प्रेशर, और Pd मोल फ्रैक्शन ऑफ dPt। ये है पार्शियल प्रेशर जो मैंने मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिए, किस चीज को यूज करके? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को यूज करके। अब ये वैल्यूज आप इक्वेशन वन में पुट करें, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन। ये वैल्यूज जब हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे, वी विल गेट Kp इज इक्वल टू xc Pt पावर c, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, इसकी जगह पे ये आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ d Pt power D, mole fraction of A Pt power A, mole fraction of B Pt power B। ये mole fraction इससे अलग करें, Kp is equal to मोल फ्रैक्शन, ये एक्स सी एक्स डी एक्स ए एक्स बी अलग करें, एक्स सी पावर सी एक्स डी पावर डी एक्स ए पावर ए एक्स बी पावर बी, ऊपर रह जाएगा पी टी, ये पी टी पावर सी और ये पी टी पावर डी, तो ये बन जाएगा पी टी
सी प्लस डी और नीचे रह जाएगा पी टी ए प्लस बी। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है और ये किसे रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट के एक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो Kp इज इक्वल टू Kx Pt C plus D means moles of product, ये product के mole, और Eb ये reactant के mole, moles of reactant। इसे आप ऊपर लेके जाएं तो ये माइनस बन जाएगा। Kp इज इक्वल टू Kx Pt मोल्स ऑफ प्रोडक्ट Pt माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। Kp इज इक्वल टू Kx Pt moles of product minus moles of reactant. Kp is equal to Kx Pt power delta n. What is this delta n? Delta n is moles of product minus moles of reactant। और ये भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के Kc और Kp था। Kp Kx से ज्यादा हो सकता है, कब? जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो रिएक्टेंट से। केपी के एक्स से कम हो सकता है जब प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल से कम हो, और Kp Kx के इक्वल हो सकता है, कब? जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स आपस में इक्वल हो। तो ये बिल्कुल वही चीज है जो Kp और Kc के लिए था। ये एक और रिलेशन, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kl। अभी तक हमने दो रिलेशन पढ़े, Kp Kc, Kp और Kx, और ये आखिरी रिलेशन Kp और Kn में। तो तरीकेकार वही, कंसिडर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। इस रिएक्शन के लिए मैंने Kp वैल्यू लिखा। अब इस प्रेशर को मैंने मोल्स में चेंज करना है, लेकिन एस इज पी आई इज इक्वल टू एक्स आई पी टी। ये क्या है? ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है और ये एक्स आई मोल फ्रैक्शन है जो कि इसके इक्वल होता है। तो अब मोल फ्रैक्शन की जगह पे मोल्स लिखे, Pi is equal to xi की जगह पे आ जाएगा ni by nt pt। इसकी जगह पे मैंने ये लिखा, तो Pa partial pressure of A will be equal to na pt by nt।
ये दोनों मैंने इकट्ठे लिखे। अच्छा, पी बी को कैसे लिखूंगा? एन बी पी टी बाई एन टी। पी सी को कैसे लिखूंगा? एन सी पी टी बाई एन टी। और पी डी एन डी पी टी बाई एन टी। ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आप इक्वेशन वन में पुट करें। ये सारी वैल्यूज आप इक्वेशन वन में पुट करें तो जब आप इन वैल्यूज को इक्वेशन वन में पुट करोगे, ये बन जाएगा ऐसे, के पी इज इक्वल टू एन सी पी टी बाई एन टी पावर सी एन डी पी टी बाई एन टी पावर डी एन ए पी टी बाई एन टी पावर ए और एन बी पी टी बाई एन टी पावर बी। आगे इससे इन मोल्स को आप अलग करें ताकि ये के एन के फॉर्म में आ जाए, तो ये यू बन जाएगा, के पी विल बी इक्वल टू एन सी पावर सी और ये एन डी पावर डी। यहां रह गया पी टी एन टी पावर सी पी टी एन टी पावर डी। नीचे भी एन ए और एन बी आप अलग करें, एन ए पावर ए एन बी पावर बी और ये बन जाएगा पी टी बाई एन टी पावर ए। और पी टी बाई एन टी पावर ये जो टर्म है ये अगेन कांस्टेंट आया और ये कांस्टेंट कहलाता है के एन। तो के पी इज इक्वल टू के एन, इसकी जगह पे के एन आया और ये ऊपर वाला बन गया सी प्लस डी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। के पी इज इक्वल टू के एन। ये सी प्लस डी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और ये ए प्लस बी मोल्स ऑफ रिएक्ट। तो पी टी बाई एन टी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई ये मोल्स ऑफ रिएक्ट। अब इसे आप ऊपर लेके जाएं तो ये जब आप ऊपर लेके जाओगे ये नेगेटिव बन जाएगा
PT by NT moles of product or PT by NT minus moles of reactant. KP is equal to KN moles of product minus moles of reactant. और इसे आप यूं लिख सकते हो या यहां पे लिखता हूं, KP is equal to KN PT NT power delta N, where this delta N is moles of product minus moles of reactant. You humne relation develop kiya between KP, KC, KP, KX, KP, KN. और ये भी वही चीज है, KP, KN से ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, इक्वल हो सकता है, प्रोडक्ट के मोल्स पे डिपेंड करता है। तो मैं इन सब को यू लिख देता हूं, KP is equal to KC RT power delta N. This is equal to KX PT power delta N. This is equal to KN PT NT power delta N. और अगर एक रिएक्शन में मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो, जैसे कि ये रिएक्शन, तो फिर KP KC के इक्वल होगी, KX के इक्वल और KN के इक्वल, फिर सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट न्यूमेरिकली सेम होंगे। तो ऐसे रिएक्शन के लिए जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट के मोल सेम हो, सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में इक्वल होंगे।